नारकंडा के अंदर एंटर हो गए, मजा आ गया, मजा। ओ भाई साहब, गजब, गुड यार, सीरियसली ऑसम। ये हमारा रूम है, खाना आ गया भाई। तो जी ये एंटर हो गए हम शिमला वाले हाईवे पे, और जस्ट अभी टोल क्रॉस किया है, तो चंडीगढ़ हमारा बैक साइड में चला गया। पंचकुला से होते हुए आया था मैं, और इत्तेफाकनली पंचकुला के रास्ते में जब आ रहा था तो वो मैंने वीडियो में नहीं डाला है, बट मैं अपनी एक कज़न सिस्टर हैं उनके यहाँ पर पंचकुला में स्टे करके चाय वाय पी करके बिल्कुल बढ़िया से तब आया था। शिमला वाले रोड पे एंटर कर गए, जैसे कि मैंने अभी बताया था। आते वक्त मैं रुके थे जगाधरी के पास में, वो एरोप्लेन वाला जो ढाबा था उस पर, ढाबा कम रेस्टोरेंट कम मतलब एक जो भी कह लो खाने का एक ऑप्शन था, तो वहाँ मैंने अपने फ्रेंड को बुला लिया था, मनु को, यमुनानगर से आ गया था वो। तो अब हम लोगों का स्टे शिमला के थ्रू हम जाएंगे नारकंडा। पहले मैं चैल का रास्ता सोच रहा था, तो चैल का रास्ता यार रात काफ़ी हो जाएगी, मेरे को 10 के आसपास हो जाएगा, तो काफ़ी ना अनसेफ रास्ता है। तो मैंने सोचा यार सामान वगैरह बहुत ज़्यादा है और ना ट्रिप काफ़ी लंबी है, तो अभी से ही ना पंगे नहीं लेना चाहिए, स्मूथ वो करना चाहिए। तो थोड़ा सा ना कुछ चीज़ें ना एडवेंचर में आगे के लिए भी रह देनी चाहिए, तो यार आगे तो बहुत है एडवेंचर, तो अभी के लिए फ़िलहाल यही है कि शिमला के रास्ते से आएंगे। काफ़ी अच्छा है, बड़ा हाईवे है पूरा, तो जल्दी पहुंच जाएंगे स्पीड से। तो शिमला से नारकंडा, नारकंडा में जो लास्ट टाइम जिस होटल में रुका था सेम होटल में ही रुकेंगे। तो जी यहाँ हिमाचल का डीजल स्टार्ट 85, ये बेनिफिट है यार हिमाचल में। तो यहाँ पर अपना डीजल डलवा रहे हैं, हाँ लेट्स सी अब कितना आता है डीजल। तो बॉस अब यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे के आसपास का रास्ता रह गया है नारकंडा का, थक तो बहुत चुके हैं यार, मतलब इन्जॉय तो कर ही रहे हैं, साथ में ना थोड़ा सा हैक्टिक ही हो गया, घूमते घूमते आ रहे हैं, तो डीजल भर गया है, देखते हैं कितना हो गया। 21 लीटर आया है और हमारी शायद 300 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी जा चुकी है। तो फाइनली यार अंधेरा हो चुका है, लाइट्स एज यूजुअल जल गई है, तो लेट होते 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 चल रहे हैं हम लोग। यार आपको पता है ना ये मेरी पुरानी आदत है, मैं आराम से चलता हूँ भाई, जब जाना है पता है कहाँ जाना है, रात हो दिन हो अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। तो भाई हाईवे वाली रोड है शिमला की, ठीक ठाक है इसमें, अभी भी हमारे लिए शिमला कितना बच रहा है सर जी, अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 30 के आसपास बच रहा है, तो 30 बज रहा है अभी भी। और टाइम जो हुआ है वो हुआ है इट्स 6:40, तो 6:40 हुआ है, और 30 नहीं है सर, 30 नहीं है, 45 है भाई 45 है अभी एग्जैक्टली। तो और हमारे को जो नारकंडा पहुंचने में है वो है 103 किलोमीटर, और 103 किलोमीटर में 3 घंटे 30 मिनट लगेगी, 3 घंटे 30 मिनट में रात के 10:15, अभी दिखा रहा है 10:30 बजे तक हम पहुंचेंगे। कोशिश वही है कि वो लास्ट वाले रिसॉर्ट में उसी में होटल में रुके हैं। बारिश स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की बौछार टाइप की, तो बस शुक्र ये रहेगा कि अगर नई बारिश हो तो अच्छा है, लेट्स सी आगे का देखेंगे फिर। तो भाई नारकंडा के अंदर एंटर हो गए, और यहाँ से हमें ये लेफ्ट जाना है जब कल आएंगे तो, और देखो बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पर सब जगह, आज अच्छी खासी बर्फ पड़ी है यहाँ पर, अच्छी खासी,
और अभी रिसेंटली ही पड़ी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और देखो ये देखो, यहाँ देखो हमारे को जहाँ जाना है वहाँ बर्फ़ सारा, और बढ़िया बर्फ। ये देखिए क्या सही है यार, क्या सही है, मज़ा आ गया, मज़ा। ओ भाई साहब गजब, गुड यार, सीरियसली ऑसम, प्रॉपर बर्फ है, अच्छे वाली। तो ये हमारा रूम है, खाना आ गया भाई, ये है कुछ हो इस साइड में, वॉशरूम है ये सामने, ठीक है। और ये है सबसे मेन पॉइंट जो लास्ट नारकंडा ट्रिप में भी था, बट इस बारी इसकी जो बालकनी है वो जबरदस्त है, झकास बिल्कुल। और देखो सारा नीचे स्नो से ढका हुआ है, पूरा का पूरा मस्त वाली स्नो पड़ गई थी एकदम।